पसंद कर रहे होंगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। लास्ट वीडियो हमने जब देखा था, हमने देखा था कि एक अच्छी प्रोडक्ट हम किस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं, हम एक अच्छी प्रोडक्ट कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, एक अच्छी प्रोडक्ट्स को कौन कौन से क्राइटेरियाज पे फुलफिल होना पड़ता है एक अच्छी प्रोडक्ट बनने के लिए। और हमने ये देखा कि गेटेड कैटेगरीज क्या होती है, अनगेटेड कैटेगरीज क्या होती है, हमें किन किन कैटेगरीज में जाना चाहिए, कौन सी कैटेगरीज हम अनगेट आसानी से कर सकते हैं, ये सब हमने लास्ट वीडियोज़ में देख लिया था। तो ज़रूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखाया था जीएस का, और मैंने आपको सारा बताया था कि ये कैसे हम देखते हैं, और मैंने जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया दिखाया बताया था उसके अकॉर्डिंगली मैंने इस स्क्रीनशॉट को एनालाइज भी करके आपको दिखाया था। जो लास्ट थिंग मैंने आपको बताई थी वो यही थी कि हम मेन कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक मेन कीवर्ड फाइंड करना कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बताई थी कि हमारे बिजनेस का सारा डिपेंडेंस एक मेन कीवर्ड पे होता है। अगर हमने किसी सेकेंडरी कीवर्ड पे अपनी प्रोडक्ट एनालिसिस कर ली, बाद में पता चला कि इसका तो ये मेन कीवर्ड था ही नहीं, और मेन कीवर्ड पे कहानी ही उल्टी होती है कि मेन कीवर्ड पे रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए, डेली सेल, मंथली सेल प्राइस, हर चीज़ फ्लक्चुएट कर दी, तो हम लोग सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो हमारा मेन कीवर्ड फाइंड करना। तो मेन कीवर्ड वो होता है जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो मुस्लिम बेबी स्वाडल बैग, ये इसका मेन कीवर्ड इनके थ्रू है, लेकिन अब हम देखेंगे कि इसका मेन कीवर्ड और इस कीवर्ड में कितना फ़र्क है। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी प्रोडक्ट थी, हमने इसको निकाल लिया था, मुस्लिम स्वाडल ब्लैंकेट। इस पर हम इस प्रोडक्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। 1000 इसी कंपीटिंग प्रोडक्ट है। कंपीटिंग प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इतने और सेलर यही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। जब हम इसकी रिव्यूज़ की तरफ आएँ तो इसका 1 रिव्यू, इसका 1, इसका 35, 24, मतलब हमें लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, रिव्यूज़ इसके कंपेटिबल हैं, हम इस रिव्यूज़ का मुकाबला कर सकते हैं, तो हमें यही प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए। लेकिन वेट अ सेकेंड, सबसे पहले हमें इसका मेन कीवर्ड देखना होगा। अगर कोई बंदा, कोई भी जिस बंदे को मेन कीवर्ड से रिलेटेड ना पता हो, वो तो इस कीवर्ड को, इस प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर देगा कि ये सब कुछ ठीक है, इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ठीक है, इसके रिव्यूज़ ठीक है, अमेजोन चॉइस 402 वाले बंदे को अमेजोन चॉइस मिला हुआ चाहिए, तो परफेक्ट प्रोडक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम देखेंगे कि हम इसका मेन कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं। मैंने एक प्रोडक्ट खोल ली यहाँ पे, मुस्लिम स्वाडल ब्लैंकेट की, इसका मैंने एसन कॉपी कर दिया। एसन से रिलेटेड मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि एसन जो होता है वो हर प्रोडक्ट का यूनिक कोड होता है जो अमेज़ॉन की तरफ से उसको दिया जाता है। अमेज़ॉन खुद अपने हर सेलर को हर प्रोडक्ट पे एक यूनिक कोड प्रोवाइड करता है जिसे हम एसन कहते हैं, ताकि हम उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। यहाँ पर जो सबसे पहली बार होती है उसे भी हमें यह एसन मिल जाता है। अगर आपको वहाँ पर ना मिल रहा हो या ढूंढना आसान ना लग रहा हो, तो यहाँ पर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में भी ये हमारे पास एसन मौजूद होता है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास हीलियम 10 का डैशबोर्ड आ जाता है। जस्ट वेट अ सेकेंड, इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाता है हीलियम 10 के सारे टूल्स। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो आपको अगली वीडियो में बना दूंगी, ताकि आपको हीलियम 10 के मुताबिक हर चीज़ का पता हो, क्योंकि हीलियम 10 सिर्फ हमारा प्रोडक्ट रिसर्च में नहीं, बल्कि प्रोडक्ट एंड तक हमारे काम आता है, हमारी सोर्सिंग में, हमारी प्रोडक्ट रैंकिंग में, हमारे लिस्टिंग क्रिएशन में, इंडेक्स चेक करने में, मिसस्पेलिंग चेक करने में, मार्केट को देखने में कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, कीवर्ड को ट्रैक करने में कि कीवर्ड्स क्या ट्रैक चल रहा है, कौन से कीवर्ड, कौन सा सर्च वॉल्यूम है, हर चीज़ हमें मिलती है हीलियम 10 से। तो वो वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उस पर। अभी हम देख लेते हैं सेरिब्रो को। सेरिब्रो के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि सेरिब्रो हमारे लिए रिवर्स एसन करने के काम आता है, कि हमारे कंपेटिटर का, टॉप कंपेटिटर्स का हम एसन कॉपी करके इसमें डालते हैं, और ये हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमारे जो टॉप कंपेटिटर हैं वो किस किस कीवर्ड पर रैंक हैं, उनको जो मेन सेल्स है वो किस कीवर्ड से आ रही है, किस कीवर्ड से उन्हें बिल्कुल सेल नहीं आ रही है, और कौन से अच्छे कीवर्ड हैं और कौन से कीवर्ड हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब हमें पता चलता है सेरिब्रो के थ्रू। यहाँ पे मैं अपना एसन पेस्ट कर देती हूँ।
ये लोड हो रहा है, यहाँ पे हमें निकल आया। ये हमारे पास सारे वो कीवर्ड्स आ गए जिस पे ये बंदा रैंक है, हम इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे टॉप टू बॉटम सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। अब जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे इसमें से ज़रूरी नहीं है कि हर कीवर्ड हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, जिस तरह ये बेबी बॉय है, अब बेबी बॉय के डिफरेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड ये वाला कीवर्ड है। यहाँ पे हमारे पास जो स्वाडल ब्लैंकेट है हम इसको क्लिक करके इस पेज पे जाके देखते हैं कि क्या ये वाला कीवर्ड हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो ये 100% हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे प्रोडक्ट्स 2000 हो गई हैं, 1000 से 2000 कंप्लीटिंग प्रोडक्ट्स हो गई हैं। रिव्यूज़ में बात करूँ तो हमारे पास 4000, 2000, 4000, 4000, 9000, 105, 915, 4000, 4000, तो हमारे पास इतने ज़्यादा रिव्यूज़ आना शुरू हो गए, 1000 हर रिव्यू। इतने रिव्यूज़ का मुकाबला नहीं कर सकते हम, इतने रिव्यूज़ वाले प्रोडक्ट में नहीं जा सकते। तो ये फ़र्क होता है अगर आप मेन कीवर्ड्स के बगैर, सर्च के बगैर एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर देते तो आपको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगती है। लेकिन एक्चुअल में जब हमने इसकी मेन कीवर्ड को फाइंड किया और देखा तो हमें ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही नहीं लगी। अब हम चलते हैं जो स्लाइड मैंने आपके लिए बनाई है कीवर्ड से रिलेटेड। कीवर्ड के बारे में आपको बता चुकी कि वो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड, लॉन्ग नहीं होता, यूजली शॉर्ट होता है, टू वर्ड्स पे डिपेंड करता होता है, और वही आपका मेन कीवर्ड होता है। जो आपने मेन कीवर्ड बनाया है आपका, आपने उसको उतना ही रखना है, उसमें आप अपनी डिटेल्स नहीं ऐड कर सकते। जैसे अगर आपका रेड स्वाडल ब्लैंकेट है तो आप रेड स्वाडल ब्लैंकेट ये कीवर्ड नहीं कर सकते, इसका सर्च वॉल्यूम कम हो जाएगा और इस पे हमारे पास वो ये मेन कीवर्ड नहीं रहेगा। हमारा हमने जो मेन कीवर्ड है हमारा जो टू वर्ड्स पे डिपेंड करेगा उसी को ही यूज़ करना है। बाकी जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसका वेरिएशन, वो सारी हम लिस्टिंग में ऐड करते जाएंगे, लेकिन मेन कीवर्ड को हमने नहीं छेड़ना। दूसरी बात यह है कि हमारी जो लिस्टिंग है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में, जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे। तो लिस्टिंग जो है वो कॉन्टेंट बेस्ड काम है, कंटेंट हमें चाहिए होता है लिस्टिंग पे। जितना अच्छा कंटेंट होगा उतने ही बार आपके लिस्टिंग पे अट्रैक्ट करेंगे और उतने ही आपके सेल्स के चांसेस ज़्यादा होंगे। लिस्टिंग के जो कंटेंट होता है वो अट्रैक्टिव होता है, उसके अंदर हम अपने टॉप कीवर्ड्स ऐड करते हैं, टॉप कीवर्ड्स जिसका सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, जिसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट कम होती है और जिसके गिवअवेज देना आसान होता है। गिवअवेज का मतलब ये होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं डिफरेंट लोगों को और उनसे कहते हैं कि हमारे से प्रोडक्ट फ्री में खरीद लो, वो भी हम रिटेल प्रोडक्ट प्रोसेस रैंकिंग वाले स्टेज पर जाकर देखेंगे। टॉप कीवर्ड जो होते हैं हमारे, मैं आपको भी निकालना दिखा देती हूँ कि कैसे हम टॉप कीवर्ड निकालते हैं। वो हम हमारे लिस्टिंग के तीन पार्ट्स होते हैं, एक हमारा टाइटल होता है, दूसरा हमारे बुलेट पॉइंट्स होते हैं और तीसरा जो होता है वो हमारी डिस्क्रिप्शन होती है। तो हम इन डिफरेंट जगह पे टॉप कीवर्ड्स ऐड करते हैं ताकि वो रैंक कर सकें। अगर हम इस तरह के कीवर्ड्स ऐड नहीं करेंगे तो हमारी रैंकिंग नहीं हो सकेगी, हमारी प्रोडक्ट रैंक नहीं हो सकेगी। तो हमने ख्याल रखना है इस बात का कि हमारे जो टॉप के कीवर्ड्स हैं वो हम लोग अपनी लिस्टिंग में ऐड करें, लाजमी करें। और जो तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है तो वो ये है कि जब आपने सोर्सिंग स्टार्ट करनी है, फ़र्ज़ करें तब आपने प्रोडक्ट एनालिसिस किया और आपने जो मर्चेंट पेन का सर्च वॉल्यूम था वो मैंने आपको कल बता दिया था कि कितना होना चाहिए। जो हीलियम पेन का वो थोड़ा सा चेंज है, अगर हीलियम पेन का आपने सर्च वॉल्यूम देखना है तो 10,000 से 15,000 USA मार्केट के लिए एक्सेप्टेबल होता है, इतने भी सर्च वॉल्यूम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब आपने सोर्सिंग अपने प्रोडक्ट डिसाइड करनी है तो आप कोशिश करें कि 15,000 को टच करें, ताकि हमारी सोर्सिंग के दौरान, हमारी शिपिंग के दौरान, हमारी लॉन्चिंग के दौरान अगर प्राइस 20-30% तो सर्च वॉल्यूम चेंज होता है, अगर वो 20-30% नीचे भी आ जाए तो भी हमारा 10,000 से ऊपर ही है। इस तरह के सर्च वॉल्यूम को आपने सेलेक्ट करना है। गोल्डन कीवर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, गोल्डन कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जिनका मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम होता है, लेस कंपटीशन होता है उनमें, कंपीटिंग प्रोडक्ट कम होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होती उस एक ही कीवर्ड से रिलेटेड। तो वो गोल्डन कीवर्ड्स हमारे होते हैं और उन्हें हमें अपनी लिस्टिंग में ऐड करना ही करना पड़ता है। अब हम जो हीलियम 10 से रिलेटेड कंप्लीट मैंने स्लाइड्स तैयार कर ली हैं, जो मैं वीडियो अपनी नेक्स्ट बना दूँगी ताकि आप लोगों को हीलियम 10 से रिलेटेड हर चीज़ की क्लियर हो। अब हम चलते हैं अपने टॉप कीवर्ड्स फाइंड करने। अच्छा जी, ये हमारा निकला था, ये मैंने बता दिया आपको कि ये कीवर्ड है जो कि बहुत अच्छा है, बेबी ब्लैंकेट्स। अगर आप देखें तो इनका सर्च वॉल्यूम भी सही है। अगर मैं इस कीवर्ड को देख लूँ, अब आपने हर इसको अलग अलग देखना है,
तो क्या मुझे अपनी प्रोडक्ट इस पर नज़र आ रही है? हाँ, मुझे अपनी प्रोडक्ट इस पर नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा आ रही है। मतलब ये भी बिल्कुल मेन ना से, लेकिन सेकेंडरी कीवर्ड मेरा इस प्रोडक्ट का है, इसको भी मैं अपनी लिस्ट में ऐड करूँगी क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। बेबी ब्लैंकेट, ये सारे इसके टॉप कीवर्ड्स हैं जो मैं लिस्टिंग में ऐड करूँगी। तो इसको हम लोग इस तरह हम लोग अपने टॉप कीवर्ड्स निकाल लेते हैं जिनका सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होता है और हमें सेल्स भी अच्छी वजह ग्रेड करके देते हैं। फिर हम इसे ऑर्गेनिक रैंक पर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ऑर्गेनिक रैंक के थ्रू हम देख लेते हैं जिसका सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम, जिस तरह 3000 सर्च वॉल्यूम है, ऑर्गेनिक रैंक 1 है, मतलब इसका मेन सेल्स यहीं से ही आ रही है। तो हम लोग इस तरह के कीवर्ड्स को कॉपी कर लेते हैं कि 5000 का सर्च वॉल्यूम है इसका और इसका 1 ऑर्गेनिक रैंक है, मतलब इसको इस कीवर्ड से बहुत ज़्यादा सेल्स आ रही है। तो हम इस तरह के कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में ऐड कर लेते हैं, अपनी लिस्टिंग में बुलेट पॉइंट्स में हर जगह ऐड कर लेते हैं। लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। अभी हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि हीलियम 10 को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको डिटेल वीडियो में बता दूंगी ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। इसकी मैंने कंप्लीट स्लाइड्स भी बना लिया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई गई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।